एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगी। ये क्या ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है इसको समझते हैं। अर्थ है, अर्थ का मास जो है वो कैपिटल एम है, गिवन है, कैपिटल एम है, और डेंसिटी रो है। दो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए स्मॉल एम और मैंने उनको तोला, जैसे सब्जी तोलते हैं एम और एम, तो बराबर वेट के होने चाहिए थे, है ना। एम दोनों मास बराबर है, एम जी एम जी बराबर है, बात खत्म हो गई, दोनों बराबर वेट के हैं। नहीं, वो कह रहा है चेंज इन वेट निकाल लो, मास सेम है फिर भी वेट डिफरेंट है, क्योंकि ये बैलेंस पता नहीं कहां से लेके आया, इतना बड़ा बैलेंस लेके आया कि सैटेलाइट तक बैलेंस है और वहां से तोल रहा है, सच दैट मान लो इस ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से 200 किलोमीटर है और इस ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से 600 किलोमीटर है, इतना बड़ा बैलेंस है। इससे क्या हुआ, जी की वैल्यू क्या हो गई, चेंज। जैसे यहां पर जी टू और यहां पर कितनी हो गई, जी वन, जी टू जी वन हो गई। क्यों? क्योंकि इतनी हाइट पर अगर तोल रहे हो तो जी की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, तो वेट में चेंज आ जाएगा। ये वेट में चेंज मास की वजह से नहीं है, ये वेट में चेंज जी की वजह से है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गई इसमें, ठीक है, तो वेट का डिफरेंस निकालना है। अब क्या गिवन है आपको, आपको ये गिवन है कि इनके बीच में जो हाइट है, इनके बीच में ये जो हाइट है, ये क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, एच है, क्वेश्चन में एच है, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो मैं ये एज्यूम करता हूं, क्या अजम्पशन है मेरी, कि सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो मैं एज्यूम कर रहा हूं, सरफेस से इसकी हाइट h2 है और सरफेस से इसकी हाइट h1 है। इससे क्या होगा, इससे g की वैल्यू क्या होगी, यहां पर g 1 माइनस 2 h2 बाय r और यहां पर g1 की वैल्यू क्या होगी, g 1 माइनस 2 h1 बाय r। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक? तो यहां पर G2 और G1 की वैल्यू आ गई। तो वेट में डिफरेंस निकालना है, सिंपल है। तो वेट में डिफरेंस, तो डिफरेंस, डिफरेंस इन वेट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, M इंटू जी टू माइनस एम इंटू जी वन। तो डिफरेंस इन वेट M इंटू जी टू माइनस एम इंटू जी वन होगा। तो M छोटा M ऑब्जेक्ट बाहर आ गया, जी टू माइनस क्या होगा, जी वन होगा, स्मॉल M, G2 की वैल्यू कितनी है, G1 माइनस 2 H2 बाय R और यहां पर G1 माइनस 2 H1 बाय R वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो दोनों को माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा चेंज इन वेट। तो चेंज इन वेट में यहां से M ओपन करते हैं G माइनस 2 G H2 बाय R माइनस जी प्लस टू इंटू जी इंटू एच वन बाय आर, कैंसल हो गया, ठीक है यहां तक, ये कैंसल हुआ तो मेरे पास क्या आया, एम और यहां से टू इंटू जी भी क्या आ गया, कॉमन, तो क्या बचा, आर भी क्या आ गया, कॉमन, तो क्या बचा, एच वन माइनस एच टू, लेकिन एच वन माइनस एच टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, एच, तो बड़ी हाइट में से छोटी हाइट गई तो एच गिवन है। तो इस पूरे इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं एच, तो टू एम जी एच डिवाइडेड बाई आर। तो आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर ये ऑप्शन गिवन हो तो आप ये ऑप्शन पुट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी आपको ये ऑप्शन गिवन नहीं होगा, आपको ऑप्शन डेंसिटी ऑफ अर्थ की फॉर्म में गिवन होगा, फिर आपको एक स्टेप और फालतू करना पड़ेगा, वो ये कि टू इंटू एम इंटू एच इंटू आर, स्मॉल जी की वैल्यू मैंने आपको करवाई थी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाय आर का स्क्वायर, है ना, जी एम बाय आर स्क्वायर करवाया था। और आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, वो ये भी आंसर आ सकता है, पता नहीं क्या देगा आपको। अगला, कैपिटल एम को हम लिख सकते हैं ये आर क्यूब जी, कैपिटल एम का मतलब है टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल आंसर। ज्यादातर बुक्स में ये ऑप्शन गिवन है डेंसिटी की फॉर्म में, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे याद आएगा डेंसिटी की फॉर्म में कैसे करना है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसका पहला एग्जांपल है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो चेंज इन वेट क्यों हुआ, चेंज इन वेट कैसे निकालना है, आंसर किस फॉर्मेट में आएगा, ये समझ में आता है, ठीक। नेक्स्ट है, इस एग्जाम्पल के बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो ये है कि सपोज करो आपके पास दो पार्टिकल्स है, पहला पार्टिकल है एम पॉइंट मास और दूसरा पार्टिकल है एम पॉइंट मास और डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। मैं ये चाहता हूं कि ये सर्कल में घूमे,
ठीक है, मैं ये चाहता हूं ये सर्कल में घूमे और बताओ इनकी कितनी वेलोसिटी हो। ये वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में निकालनी है कि v की वैल्यू मैं इन्हें क्या दूं कि ये सर्कल में रोटेट करें ऑफ रेडियस कैपिटल r। ये क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं दो पार्टिकल सर्कल में घूमे, r रेडियस में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, तो बताओ v वेलोसिटी कितनी दूं मैं। और ओनली फोर्स जो इनके बीच में एक्ट कर रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। और कोई फोर्स नहीं है दुनिया में, बस यही दो फोर्स हैं, बस एक ही फोर्स है। ठीक, पॉइंट नंबर वन, अगर आप चाहते हैं कि कोई पार्टिकल पॉइंट मास सर्कल में घूमे तो उसके पास कौन सी फोर्स होनी जरूरी है? सेंट्रिपेटल, सेंट्रिपेटल फोर्स होगी तो वह सर्कल में घूमेगा। सेंट्रिपेटल फोर्स कहां एक्ट करती है? टूवर्ड्स सेंटर एक्ट करती है। ठीक है यहां तक? तो सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट करती है, लेकिन पॉइंट ये है कि यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे? ये मास, ये जो मास है, ये मास इस मास को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। और ये मास भी इस मास को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? जी एम एम बाय डिस्टेंस, बोलो, बाय क्या स्क्वायर? आर स्क्वायर के टू आर स्क्वायर। पर सर्कल का रेडियस तो आर है। हाँ, न्यूटन ने ये तो कहा था कि सर्कल का रेडियस लेना है, उसने कहा था दो पार्टिकल की जो स्ट्रेट डिस्टेंस लेना है, दो पार्टिकल का स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है? आर प्लस आर, टू आर का स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो यहां पर भी फोर्स क्या आएगी? जी एम एम डिवाइडेड बाई टू आर का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इतनी फोर्स से क्लियर है। तो कोई भी एक पार्टिकल ले लो, दो इकट्ठे नहीं ले, एक पार्टिकल, क्योंकि ये भी अपने सर्कल में घूम रहा है, अपने सर्कल में घूम रहा है, तो ये सर्कल में घूम रहा है, तो इसके पास क्या होगी? सेंट्रिपिटल। कहां एक्ट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। क्या है सेंट्रिपिटल? यही एक्ट करेगी सेंट्रिपिटल। तो ये जो फोर्स है जी एम एम बाई टू आर का स्क्वायर विल एक्ट लाइक सेंट्रिपिटल, जिसका फॉर्मूला बोलो क्या है? एम वी स्क्वायर बाय डिस्टेंस क्या लें? आर की टू आर। सेंट्रिपिटल में हम हमेशा सर्कल का क्या लेते हैं? रेडियस। हमें क्या लेना है इनके बीच में क्या दूरी है? न्यूटन का फॉर्मूला कहता है जी डिस्टेंस लो, सेंट्रिपिटल थोड़ा ना कहता है डिस्टेंस लो, वो तो कहता है सेंट्रस दूरी बताओ। सेंट्रस दूरी कितनी है? आर का एम वी स्क्वायर बाई आर, बस। क्लियर है? तो यहां से एम कैंसल, जी एम डिवाइडेड बाई फोर आर स्क्वायर इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कैंसल, तो वी की वैल्यू क्या आ गई? जी एम डिवाइडेड बाई फोर आर आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, समझ में आ रहा है कैसे करना है? सपोज करो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मेन नीड दोनों में आया हुआ है और आ भी सकता है, बड़ी बात नहीं है। आपके पास एक मास है कैपिटल एम, एक मास है कैपिटल एम, आप इसको दो हिस्से में तोड़ दो, ठीक है? जैसे पहला हिस्सा स्मॉल एम, तो दूसरा वाला क्या बनेगा? एम माइनस स्मॉल एम। ऐसे तोड़ो और इनके बीच में, और इनको आर डिस्टेंस पे जाके रख दो, एम आपकी मर्जी, बड़ा तोड़ो छोटा तोड़ो जैसे मर्जी, ताकि फोर्स इनके बीच में हमेशा क्या रहे? मैक्सिमम। ये क्वेश्चन है। अगर फोर्स मैक्सिमम रहे तो आपको बताना है स्मॉल एम और कैपिटल एम की रेशियो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो आपको एक कैपिटल एम मास को ब्रेक करना है दो पार्ट, दो हिस्सों में, एम और एम माइनस एम कर लिया आपने, सच दैट उनको आर डिस्टेंस पे रखना है और उनकी फोर्स क्या करनी है? मैक्सिमम। और अगर फोर्स मैक्सिमम है तो बताओ स्मॉल एम और कैपिटल एम की रेशियो क्या रहेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप बस ये बताओ कि अगर एम और एम माइनस एम आर डिस्टेंस अपार्ट है तो फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम को छोड़ो, जी एम इनटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। ये फोर्स है, ये थोड़ी ना कि फोर्स मैक्सिमम है। क्लियर है यहां तक? ये फोर्स आ गई। आपको फोर्स को क्या करना है? मैक्सिमम। हमने एक टॉपिक किया था फोर्स में, मैक्सिमा एंड मिनिमा, याद है क्या रूल था? किसी भी चीज को अगर मैक्सिमम करना है तो उसको करना है डिफरेंशिएट और इक्वल टू क्या कर देना है? जीरो। पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करूं? जो निकालना है, क्या निकालना है? स्मॉल एम। इसमें स्मॉल एम वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम।
तो जो चीज निकालनी है स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल m, डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहां से d बाय dm ऑफ f, f की वैल्यू क्या है, g स्मॉल m इनटू m माइनस m डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू जीरो। g कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है, ये तो चला गया यहां से, जीरो से कट जाएगा, छोटा m कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ तो वेरिएबल है, छोटा m तो निकालना है, कैपिटल m कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे d बाय d छोटा m ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं m इनटू स्मॉल m माइनस m का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म में कैपिटल m कांस्टेंट बाहर आ गया और ये क्या बनेगा d बाय dm ऑफ m का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो कैपिटल m ये 1 है, 2m इक्वल टू जीरो, कैपिटल m इज इक्वल टू 2m, स्मॉल m की वैल्यू अपॉन कैपिटल m की वैल्यू का आंसर क्या आएगा 1:2। ठीक, ये है आपका मेथड नंबर 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि लंबा मेथड है। कौन करेगा वहां कैलकुलस बैठ के, नॉन मेडिकल वालों को फर्क नहीं पड़ता, वैसे नॉन मेडिकल वालों को मैथ्स के टीचर 15-20 दिन लगा के मैक्सिमम मिनिमा का बहुत डिटेल टॉपिक करवाएंगे, वो तो 2 मिनट में कर देंगे इसको, उनको तो शायद कोई पूछे भी ना, क्योंकि इतना मैक्सिमम मिनिमा कर लेंगे कि उनको फर्क नहीं पड़ता, तो ओरल कर देंगे इसको सॉल्व। पर मेडिकल के लोग क्या करेंगे, उनको थोड़ा ना कोई करवाएगा। तो मेरे पास एक मेथड 2 है जो कॉमन सेंस का मेथड है, जिसमें कोई कैलकुलस चाहिए ही नहीं अपने को, और ज्यादातर लोग वही फॉलो करेंगे, इसको कौन करेगा, चलो मेरा बताना फर्ज था, मैंने बता दिया। मेथड 2 देखो, जो एक्चुअल में मेरे को लगता है ज्यादा काम का मेथड है। मेथड 2 देखो, मेथड 2 के अंदर इमेजिन कर लो, जस्ट इमेजिन कर लो कि कैपिटल एम की जगह यहां पर 10 kg का मास है, ऐसे कोई वैल्यू ले लो। तो मैंने क्वेश्चन दिया 10 kg को आपने तोड़ना है 2 हिस्सों में ताकि फोर्स मैक्सिमम हो जाए और आर डिस्टेंस अपार्ट। तो एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जिसको तोड़ दो 1 kg और 9 kg में, दूसरा कहता है जी 2 kg और 8 kg में, नेक्स्ट कहते हैं 3 kg और 7 kg में, 4 kg और 6 kg में, 5 kg और 5 kg में, और ऐसे ही 6 kg और 4। इसको लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि पैटर्न क्या होने वाला है, रिपीट हो जाएगा। अब आर तो चेंज करना नहीं, तो फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यही लॉ था। तो प्रोडक्ट ऑफ मास पहले केस में कितना आ रहा है m1 m2 9, दूसरे केस में कितना आ रहा है 16, तीसरे केस में कितना आ रहा है 21, नेक्स्ट में कितना आ रहा है 24, नेक्स्ट में कितना आ रहा है 25, नेक्स्ट में कितना आ रहा है 24, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है 25। कब, जब आप बराबर बराबर तोड़ते हो, जब आप बराबर तोड़ते हो, इसका मतलब अगर आपके पास 10 किलो का मास है तो मैक्सिमम फोर्स के लिए 5-5 किलो तोड़ना पड़ेगा। तो अगर कैपिटल एम मास है तो कैसे तोड़ना पड़ेगा, m/2 तोड़ना पड़ेगा। तो अगर एक छोटा टुकड़ा m/2 है तो स्मॉल m और कैपिटल m की रेशियो ऑटोमेटिकली क्या जाएगी, 1 हो गया, आंसर आ गया 1/2। ये ज्यादा बेटर नहीं है, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऐसे ही आप सॉल्व करके देख लेना बस, जो मैं अब वैसे तो आपको पेपर में इतना भी नहीं करना है, अब आपको ये करने का रिजल्ट ही याद हो गया कि कैपिटल m को तोड़ना है तो आधा आधा तोड़ दो, फोर्स मैक्सिमम है, इतना भी नहीं करना, ना मेथड 1 ना मेथड 2, सीधा ही अपना ही मेथड है, आंसर याद हो गया, मैं बात ही खत्म हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव के अंदर कैसे इसको लगा सकते हो रूल को, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट के अंदर, ये असाइनमेंट के अंदर हमने यहाँ तक ये क्वेश्चंस कर लिए थे, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ये वाला मास फोर्स मैक्स वाला ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया सर्कल में घूमने वाला, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया चेंज इन वेट वाला। अगली प्रॉब्लम मैं आपको करवा देता हूँ, देखो क्या प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की है, रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम है, जो डाली ग्रेविटेशन में हुई हुई है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि अगर सपोज करो अर्थ इज अ पॉइंट मास जो सन के आसपास घूमती है, तो अगर सन के आसपास घूमती है तो सन से इसकी दूरी कभी ज्यादा कभी कम होती है, तो ये मान लो डिस्टेंस आर मैक्स हो जाता है और ये डिस्टेंस आर मिनिमम हो जाता है, एक आर मैक्स है और एक आर मिनिमम है। इस पॉइंट पर अर्थ की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और यहां पर क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ऐसा क्यों, हमने क्योंकि रोटेशनल मोशन में किया था
कि एंगुलर मोमेंटम घूमते हुए प्लैनेट का हमेशा कांस्टेंट है, और पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो वी इंटू आर इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो एम वी जब यानी कि रेडियस कम है तो वेलोसिटी वहां पर ज्यादा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, जब रेडियस मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, इक्वल टू जब रेडियस मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मिनिमम है। तो ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर दिखेगा ये फॉर्मूला मार्क कर लेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये फॉर्मूला की जगह ये ऑप्शन की जगह एक ऑप्शन गिवन होता है। क्या ऑप्शन गिवन होता है, ओमेगा की फॉर्म में। सर्कुलर मोशन में एक रिजल्ट आपने सुना वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो मैं इस रिजल्ट को मॉडिफाई करने जा रहा हूं। कैसे, मैं वी मैक्स की जगह पुट करने जा रहा हूं आर ओमेगा, आर ओमेगा इंटू आर मिनिमम इज इक्वल टू अगेन आर ओमेगा आर मैक्सिमम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आर मिनिमम का पॉइंट चल रहा है, तो यहां पर भी क्या आएगा आर मिनिमम, क्योंकि वी वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ये टर्म ऑटोमेटिकली क्या आएगी, वी मैक्स है तो ओमेगा भी मैक्स है, तेज घूम रहा है तो ओमेगा भी तेज घूमेगा, और ऐसे यहां पर भी आर मैक्स है तो आर के पैर में मैक्स आएगा, ओमेगा के पैर में मिनिमम आएगा। तो रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया ओमेगा मैक्स इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू ओमेगा मिनिमम। तो ये रिजल्ट या ऑप्शन भी मार्क करने को आ सकता है, तो ठीक है, मतलब अगर ये रिजल्ट आता है तो ये रिजल्ट भी आ गया, एक ही बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सोचना है इसे, सही है। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रोटेशनल आ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं आता पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि अब इन चैप्टर्स के अंदर पुराना ही यूज होना है सारा, अब कुछ नया कुछ आना नहीं है। अगर आप सोचो कि नया आ भी जाएगा, एक इतना फॉर्मूला आएगा बस, बाकी कॉन्सेप्ट फोर्स का फ्रिक्शन तो नहीं लगेगी इसमें, फोर्स का लगेगा, एनर्जी का लग सकता है, रोटेशन लग सकता है, वर्क पार लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक नया कॉन्सेप्ट अब डेवलप होगा कि वो कॉन्सेप्ट एक आगे यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब पुराना ही है सारा। तो ये भी कॉन्सेप्ट रोटेशन मोशन का यूज कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट है, तो ये हमने टॉपिक कर लिया, ये मैंने बता दिया आपको कैसे लिखा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें